ओके हेलो मेसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हमने कौन से स्टार्ट की थी, ऑक्सीडेशन, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, ऑक्सीडेशन पे अभी तक फिलहाल मैं सिर्फ एक लेक्चर आपके साथ शेयर करी हुई हूँ। होप आपने वो फर्स्ट लेक्चर देखा भी होगा, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कशन लिया था, जिसके अंदर हमने समझा था ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन पे बात की थी, कुछ रिएक्शन हमने देखी थी, हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन तीनों के टर्म में ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया था। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ऑक्सीडेशन चेक करना है, लेकिन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन आपको नहीं दिख रहा है, इनमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिख रहा है, तो आप ऑक्सीडेशन लेवल की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन लेवल क्या होते हैं, 5 लेवल होते हैं 0 से 4 तक। ये सारे लेवल को विद एग्जांपल मैंने फर्स्ट लेक्चर पे कवर कराया था। ओके, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, जैसे मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूं, ऑक्सीडेशन यूनिट के अंदर कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया, आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप दिए जाएंगे, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाएंगे, उनका आपने ऑक्सीडेशन करके दिखाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके, तो आज का जो हमारा ये सेकंड लेक्चर रहने वाला है, इस पे भी हमने सिंपल ऑक्सीडेशन करना है। और सबसे पहले हमने किसकी ऑक्सीडेशन करके दिखाने हैं, हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन में भी पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं एल्कीन्स की। ओके, यानी कि आज हम सीखेंगे कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री, वो सारी चीजें, मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, वो सारी चीजें, स्पेशल केसेस, सब कुछ देखते हुए हम बात करेंगे। क्लियर हुआ ना? और साथ ही साथ एक और चीज बता देती हूं, मैंने जैसे पहले भी बोला है, इस पूरी यूनिट के जो स्टडी मटेरियल, इस पूरी यूनिट के क्या जितने भी अभी तक हमने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उन सब की अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो मैं टेलीग्राम पे वो नोट्स शेयर करती हूँ। इसके नोट्स भी आपको प्रॉपर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इसके स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आज के लेक्चर को। तो हमने बात करनी है हमारे हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन के ऑक्सीडेशन पर। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ओके, तो अगर देखो, मैं आपको सिंपली ऊपर से बता रही हूँ, अगर मैं बोलूँ ये मेरे पास एल्कीन है, इसमें मैंने ऑक्सीडेशन कराना है यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन कराना है, तो बताइए कैसी स्पीसीज बनेगी। हमको पता है एल्कीन में क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है, तो ये पाई बॉन्ड यानी कि वीकर बॉन्ड टूटेगा। और ऑक्सीजन का एडिशन क्या है, ये दोनों कार्बन से हो जाएगा, यानी कि आपको एक साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी जो कि ईथर की है। तो ये जो साइक्लिक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग जो ईथर की देखने को मिल रही है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। और ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है, इसे सिंपली क्या बोलते हैं, एपॉक्साइड, इसको हम क्या नाम देते हैं, एपॉक्साइड। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सिंपल सी बात है, एल्कीन में जैसे आपने ऑक्सीडेशन कराया, तो ये 3 मेंबर ईथर के रिंग में कन्वर्ट हो गया, विच इज एपॉक्साइड। तो हमसे अगर बोलेंगे तो हम यहाँ पे एपॉक्साइड बना के दिखा देंगे। बट यहाँ पे पर्टिकुलर रिएक्शन पे भी बात की जा सकती है, डायरेक्टली आपसे बोल दिया जाता है कि जैसे एल्कीन का ऑक्सीडेशन करके दिखाओ, नहीं बोलेंगे आपसे, पर्टिकुलरली बताएंगे एपॉक्सीडेशन क्या होता है। ओके, अब एपॉक्साइड का फॉर्मेशन इज एपॉक्सीडेशन। तो एपॉक्सीडेशन को डिफाइन करते हुए हम लोग चलते, बिकॉज क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन बताओ। और मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बोला था आपको ऑक्सीडेशन करके दिखाना होगा, बट उस ऑक्सीडेशन को कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन के नेम से जानते हैं, तो उस पे भी हमने बात करनी है। तो एपॉक्साइड का फॉर्मेशन इज एपॉक्सीडेशन, जो कि कब बनता है, जब आप क्या करते हैं, हमारे एल्कीन पे ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्लियर हुआ? तो सुनिएगा यहां पे होता क्या, उसको भी पहले चले समझा देती हूं, देन मैं आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चलूंगी। ओके, तो देखो यहां पे कुछ नहीं होता है, ये बोलता है आपके पास जो एल्कीन है ना, एल्कीन में आपको दिख रहा है अप्रोच करने वाली पोर्शन कौन सी है, आपका ये यानी कि डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक्सेस में पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसको हम क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियोफाइल। यानी कि ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको पाई बॉन्ड में, ये किसकी तरह काम करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। ओके, अब ऑक्सीडेशन अगर मुझे करानी है, तो मुझे यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए, यानी कि जब भी आप एपॉक्सीडेशन कराते हैं, इसके लिए जो पर्टिकुलर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, वो होता है आपका MCPBA यानी कि मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो यहाँ लिखा हुआ है MCPBA यानी कि मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इसको हम पर्टिकुलरली रिएजेंट के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में लेते हैं, जब भी आप अपने एल्कीन में अपऑक्सीडेशन कराते हैं या फिर आप उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पर को सपोज कीजिए MCPBA एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिएजेंट लिया हुआ है। ओके, अब इस MCPBA का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखो ये आपका क्या होता है, एक टाइप के पर एसिड होते हैं। पर एसिड मतलब एसिड में क्या होता है, जैसे COOH होता है, पर एसिड में क्या होता है, एक एडिशन ऑक्सीजन यहाँ पर को जुड़ जाता है, मतलब COOOH हो जाता है, एक तीसरा ऑक्सीजन भी यहाँ पर जुड़ जाता है। और जो ये तीसरा ऑक्सीजन होता है, इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर हुआ ना?
अब कैसे हुआ? देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ यही ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है इसी की बात की हुई है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपका पर एसिड का रहता है ये किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मिल गया, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल गया। तो अब होगा क्या, हमको पता है न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा आपके इलेक्ट्रोफाइल से, तो जैसे ये पाई बॉन्ड एज जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये आपके ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है उससे अप्रोच करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है पाई बॉन्ड आपका टूटेगा। और जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा, देखो ऐसे होता क्या, मैं आपको रफली बताते हैं। देखो ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो आइदर एक कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन के पास आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो ये जो नेगेटिव सेंटर है ये जाके अप्रोच करेगा आपके ऑक्सीजन से। ठीक है, तो एक साइड से आप बोल सकते हो ये पाई बॉन्ड टूट के एक साइड से आपका ऑक्सीजन जुड़ गया। अब कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। हमको पता है ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, तो ऑक्सीजन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कहां अप्रोच करेगा, इस कार्बन पॉजिटिव से, ताकि इसको भी सेटिस्फाई करे। तो हुआ क्या, पाई बॉन्ड यहां से टूटा और ये एक कार्बन के साथ यहां से बॉन्ड बना था, एक दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू बन गया। तो पाई बॉन्ड टूटने के साथ साथ क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन थ्री मेंबर के फॉर्म में जुड़ गया। तो हमको क्या मिल गया, हमारा एपॉक्साइड या फिर थ्री मेंबर साइक्लिक ईथर। तो इसी की बात हमने यहां पर करनी है, क्लियर हुआ ना? तो ये चीज ना अभी तो मैं जैसे ऊपर ऊपर से ऐसे बताया, आगे आपको इसकी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, इसके जो स्पेशल केसेस रहते हैं, हिंड्रेंस के केस रहते हैं, इसका मैं जो स्टीरियो केमिस्ट्री रहती है वो चीज आपको समझने को मिलेगी, क्लियर हुआ ना? अब देखो अब प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, इतना आप समझ गए तो अब आप कर लेंगे। ठीक है, तो एपॉक्सीडेशन को कैसे डिफाइन किया, तो ये बोल रहा है एपॉक्सीडेशन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अ ऑक्सीजन। तो हमने क्या बोला, ये जो आपका पर एसिड है इसमें जो तीसरा ऑक्सीजन है ये किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज की तरह काम करता है। तो अपॉक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आपका ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऐड हो रहा है ना, तो हमने बोला ये क्या होता है, टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का तरह काम कर रहा है। कहां होता है, टू द डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, बिकॉज एल्कीन किसकी तरह काम कर रही है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है। एल्कीन का कौन सा पोर्शन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, डबल बॉन्ड। तो कहां आपका एडिशन हुआ, एल्कीन की डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। ओके, कब हुआ, इन एल्कीन इज व्हेन इन व्हिच द एल्कीन इज सब्जेक्टेड टू अ पर ऑक्सी एसिड टू कन्वर्ट into a epoxide। कब हुआ, जब आपने reaction condition में अपना क्या लिया, per oxy acid या फिर आप बोल सकते हो per acid लिया। यहाँ पे हम particularly हमारा MCPBA यानी कि metachloro per benzoic acid का use करते हैं, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो oxidizing agent नहीं होगा, और oxidizing agent नहीं होगा तो oxidation होगी, बिल्कुल नहीं होगी, because oxidizing agent ही तो अपने आपको reduce करके oxidation कराते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तो definition hope आपको clear आई होगी कि हमारा epoxidation ऐसी process होती है जिसके अंदर हमारा electrophilic addition होता है हमारे ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन आता है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और कहां होता है, हमारे एल्कीन में जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है यानी कि जो डबल बॉन्ड है वहां होता है, जिसकी वजह से हमको साइक्लिक ईथर मिलता है, थ्री मेंबर पर्टिकुलरली साइक्लिक ईथर मिलता है जिसे हम बोलते हैं एपॉक्साइड, और एपॉक्साइड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एपॉक्सीडेशन, क्लियर हुआ? अब देखो इसके पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं। ओके, अब देखो पॉइंट्स में क्या बात की हुई है, सबसे पहले ये बोल रहा है द मोस्ट यूजफुल रिएजेंट इज फॉर अफेक्टिंग द एल्कीन अपॉक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इज MCPBA। तो सबसे ज्यादा यूजफुल रिएजेंट यहाँ पे MCPBA होता है। दूसरा लिखा हुआ है MCPBA इज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन। तो ये बोल रहा है MCPBA आपका क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, और ऑब्वियस सी बात है होगा, बिकॉज यहीं से तो हमारा ऑक्सीजन आ रहा है और यही ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये बोल रहा है MCPBA इज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और इसी की वजह और यही क्या करता है, आपके न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन से रिएक्ट करता है। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कंसीक्वेंटली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन अ एल्कीन एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप इन अ पर एसिड फैसिलिट द रिएक्शन। तो ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है, ये जो एपॉक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, एल्कीन में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सिंपली आप बोल सकते हैं आपका जो एल्कीन है इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसकी वजह से, और आपने जो पर एसिड लिया हुआ जिसका जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो काम कर रहा है उसकी वजह से, पर एसिड का। ओके, इन दोनों की वजह से ही आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है, यानी कि आपको आपका एल्कीन चाहिए और यहां पे आपका ये ऑक्सीजन होना चाहिए ना, ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, पर एसिड से, तो एल्कीन और पर एसिड की वजह से ही ओवरऑल रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है। ओके, आगे बोला द रिएक्शन प्रोसीड बाय अ सिंगल स्टेप व्हिच इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अ एल्कीन इन अ पाई एल्कीन पाई ऑन अ पर एसिड। तो ये जो पूरी रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में प्रोसीड होती है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन का जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है आपके पर एसिड पे। कैसे करता है, अब देखो इसे रिएक्शन के थ्रू समझो। ओके, देखो सबसे पहले ये बोल रहा है आपके पास जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन है एल्कीन का, ये एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। होगा क्या, सबसे पहले पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा, एक मिनट,
तो कैसे टूटेगा, हम बोल सकते हैं सपोज इसको नेगेटिव चार्ज मिल गया, इसको कौन सा चार्ज मिल गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है, अभी अप्रोच कहाँ करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। और हमको पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हमारा जो पर एसिड है, ठीक है। देखो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ के साथ एच होता तो एसिड हो जाता, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पर को जुड़ गया है ये वाला। ओके, और ये ही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अप्रोच करेगी, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो अप्रोच करा दीजिए, देखिए आपका ये कहां अप्रोच करेगी, यहां पर। ओके, अब जैसे ही अप्रोच होगा तो बॉन्ड टूटेगा, कौन सा टूटेगा, तो देखो हमको पता है ये जो आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन और पूरा हाइड्रोक्सी ग्रुप आप कंसीडर कर लीजिए, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीकर बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। और ये बॉन्ड कहां की ओर टूटेगा, इसकी ओर टूटेगा, यानी कि ये बॉन्ड आपका टूटा ऑक्सीजन की ओर और यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट हो गया। अब अगर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आने के चांसेस है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, बिकॉज ये दो बॉन्ड यहाँ, दो बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो पांच बॉन्ड हो जाएंगे। तो होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इतना तो कर लेंगे। तो देखो इसको हटाते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, देखो कुछ ऐसे, इसको हटाया, यहाँ पे हमको एक नया बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये हटा लेते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से, क्लियर हुआ ना। अब देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्पीसीज हमको देखने को मिली। अब क्या होगा, देखो हो सकता है ऑक्सीजन आपका नेगेटिव स्पीसीज है, ठीक है, ये वाला, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हाइड्रोजन जैसे यहाँ से निकलेगा ऐसे, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास तो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये कहाँ अप्रोच हो जाएगा, यहाँ पे अप्रोच हो जाएगा, यानी कि ये OH के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, O के ऊपर से नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। ओके, अब हमको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो आपके कार्बन पॉजिटिव चार्ज है ये भी तो अनस्टेबल है, ये क्या करेगी आपके ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अप्रोच करेगी और यहाँ पे इनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। तो हमको क्या ऑब्टेन हुआ, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, दो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमको क्या थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग देखने को मिली, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हमको देखने को मिला। बाकी हमारा क्या निकला, पर एसिड से एक क्या निकल गया, एसिड निकल गया, देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच निकल गया। तो ये चीज हमको यहाँ पे दिखानी है, यही चीज रिएक्शन में दिखाई हुई है, और देखो ये आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट है, इसे ब्रैकेट में डाल देना, ये आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट है जो कि बटरफ्लाई शेप की है, तो बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट इसे बोला गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिखाया गया, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट ये तो दिखाएगी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड बनने वाला है। तो देखो यहां पे आपका बॉन्ड था, ठीक है, एक तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक बॉन्ड यहाँ पे था जो कि टूट गया। ओके, अब यहाँ पे दो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है, तो जो टूटने वाला है बनने वाला है उसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था बट वो टूट गया, तो ये देखो यहाँ भी डॉटेड लाइन हो गया, ये ऑक्सीजन आपके इससे जुड़ गया, इससे जुड़ा ना, मतलब सॉरी, ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पे वो आपके इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो इसे भी डॉटेड से दिखाया। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था लेकिन डबल बॉन्ड टूट गया, तो एक ही बॉन्ड दिखाया, दूसरा बॉन्ड डॉटेड से है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आपका एक बॉन्ड तो है लेकिन दूसरा बॉन्ड आया, ऐसे आया ना, हमने जब यहाँ पर को बॉन्ड की शिफ्टिंग की तो बॉन्ड आया, तो डॉटेड लाइन से हो गया। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था लेकिन टूट गया, तो डॉटेड लाइन से हो गया, तो वही चीज दिखाया हुआ, समझ रहे हैं ना इस चीज को। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा सकती हूँ वापस से, देखिए ऐसा था ओ एच, ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस टाइप से था, ठीक है। तो ये बॉन्ड तो देखो, ये बॉन्ड तो लगे हुए हैं, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो हमने ये बॉन्ड को तोड़ा, ये जो पाई बॉन्ड है इसे तोड़ा, तो इसे हमने डॉटेड लाइन से जोड़ दिया। ओके, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, ठीक है, तो डॉटेड लाइन से, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना तो अगेन डॉटेड लाइन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटा तो अगेन डॉटेड लाइन से, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटा अगेन डॉटेड लाइन से, ये बॉन्ड टूट के कहां गया, यहां गया। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन एक बॉन्ड यहाँ पे अगेन बना है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आ गया। इसके साथ जो AR ग्रुप है वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन इसके साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके साथ एक बॉन्ड तो एज इट इज है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटा कुछ इस तरीके से, तो उसको हमने लिखा डॉटेड लाइन से। अब इस ऑक्सीजन के साथ हमारा यहां से हाइड्रोजन जुड़ा, तो यहां से हमने क्या दिखा दिया, हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा है, तो पहले था नहीं, जुड़ा है तो डॉटेड लाइन से, और ये हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन से निकला है तो ऑक्सीजन के साथ ये डॉटेड लाइन से, क्लियर हुआ। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई, ये हमारे प्रोडक्ट हो गए, आसान है, ये रिएक्शन आपने शो करनी है। ओके, अब यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ, ये बोल रहा है वन पॉइंट इज टू रिमेंबर दैट मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन द लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो ये बोल रहा है अगर आपके पास दो एल्कीन है सपोज, ओके, अब एक एल्कीन आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं, और दूसरी एल्कीन आपके लेस सब्स्टिट्यूटेड है, कम एल्कीन, कम सब्स्टिट्यूशन वहां पर को अल्काइल
मोबाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उस केस में हमको ध्यान रखना है जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वहां पे आपका अप्रोच ज्यादा होने के चांसेस है, बिकॉज वहां पर को क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वही चीज लिखी है, वन पॉइंट इज टू रिमेंबर दैट मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर रिएक्टिव। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी उतनी ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी आपका एल्कीन है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये आपका कम सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमने रिएक्शन कंडीशन में डायरेक्टली अपना रिएजेंट लिया हुआ है MCPBA। हमको पता है MCPBA क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये जो आपका पाई बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पूरी रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं, हमको पता है एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड हटता है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको पता है जहां पे वो एल्कीन जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स एपॉक्सीडेशन। ओके, इतना हुआ। अब आगे बात करते हैं, अब आगे लिखा हुआ यही कि एपॉक्सीडेशन रिएक्शन आपके स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, और रिएक्शन आपके सिन, मतलब जो एडिशन होता है, हमने बोला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है ऑक्सीजन का, वो सिन फॉर्म में होता है। ओके, अगर सिन फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास रिएक्शन कंडीशन में सिस एल्कीन है तो वो सिस ही ऑक्सीडेन, देखो अगर हम इसे हेट्रोसाइकिल कंपाउंड के हिसाब से देखें तो ये हमारा ऑक्सीडेन होता है ना, थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग जिसमें हेट्रो एटम आपका ऑक्सीजन होता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेन। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल है वो जो एल्कीन है वो सिस फॉर्म में है, देन उस केस में जो आपको एपॉक्साइड मिलेगा वो भी आपका सिस ही रहेगा, तो हमें सिक्स ऑक्सीडेन आपको देखने को मिलेगा। ओके, और अगर ट्रांस एल्कीन है तो ट्रांस ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिस से ट्रांस नहीं जा सकता, ना ट्रांस से सिस जा सकता है, सिस से सिस जाएगा, ट्रांस से ट्रांस, बिकॉज ये एक टाइप के स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। ओके, अब देखो अगला एक और पॉइंट रिमेंबर करने के लिए ये बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर आपके पास साइक्लिक एल्कीन है, ओके, इन केस अगर आप साइक्लिक एल्कीन की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका रिएजेंट है वो आप अगेन सेम चीज करेगा, ऑक्सीजन का एडिशन कराएगा, लेकिन ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ होगा, जहां पे हिंड्रेंस कम हो रहा होगा। ओके, तो देखो ये आपका एल्कीन है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, आपने रिएक्शन कंडीशन में आपने MCPBA यानी कि अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो कुछ नहीं करना, आपको पता है MCPBA है और एल्कीन है तो क्या होगा, एपॉक्साइड होगा, यानी कि डबल बॉन्ड हटेगा और ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ओके, अब ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा, तो ये बोल रहा है ऐसे जुड़ेगा कि हिंड्रेंस आपका कम हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ू तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है वो नीचे की ओर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हिंड्रेंस आपको कम मिलेगा कंपेयर टू कौन से केस से, अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि एक मिनट, हाँ इसको हटाया, और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे भी है, ये नीचे की भी ओर जा सकते हैं और हाइड्रोजन सामने की ओर आ सकते हैं। ओके, तो होगा क्या, इस केस में हिंड्रेंस आपको ज्यादा मिलेगा। तो दोनों केसेस दिखाए हुए, ये बोल रहा है कि अगर आप ऑक्सीजन को सामने की ओर लगाते हैं, हाइड्रोजन को नीचे की ओर करते हैं, तो यहाँ पे आपको हिंड्रेंस कम मिलेगा, तो इसके इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के चांसेस कितने हैं, 95% है, और यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे की ओर कर दूं, हाइड्रोजन को सामने की ओर कर दूं, तो ये 5% फॉर्म होगा बिकॉज हिंड्रेंस की वजह से। तो ये चीज भी ध्यान में रखना, एपॉक्सीडेशन अगर साइक्लिक एल्कीन में हो रहा है तो उस केस में हमने हिंड्रेंस का ध्यान रखना होता है कि अगर हिंड्रेंस ज्यादा है तो हमारा एपॉक्सीडेशन का जो चांसेस होगा वो काफी कम हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब आगे देखो, लास्ट के कुछ पॉइंट बचे हैं। ओके, अब आगे बोल रहा है कंजुगेटेड एल्कीन, कंजुगेशन ऑफ एल्कीन डबल बॉन्ड विद द अदर अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड विद द अदर अनसैचुरेटेड ग्रुप रिड्यूस द रेट ऑफ अपॉक्सीडेशन बिकॉज ऑफ द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये बोल रहा है सपोज करो आपके पास कोई एल्कीन है, ओके, अब वो एल्कीन आइसोलेटेड नहीं है, ओके, उसके साथ क्या है, दूसरे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, अब इस केस में क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड में, तो यहाँ पे हमको एल्कीन मिल रहा है, ये आपका एल्कीन है, इसमें अगर आपको रिएक्शन कंडीशन में हम कोई रिएजेंट जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MCPBA देते हैं तो हमको पता है ये एपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो इस एल्कीन के एडजेसेंट पोजीशन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बोल रहा है ना, जब भी आपका एल्कीन अकेला नहीं होता है, एल्कीन के साथ साथ दूसरे अनसेचुरेटेड ग्रुप मिल जाते हैं, तो उस केस में रेट ऑफ अपॉक्सीडेशन आपका कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, बिकॉज देखो हमको क्या करना है, जो रिएक्शन होगी मैंने स्टार्टिंग में बताया किसकी वजह से होती है, आपके न्यूक्लियोफाइल की वजह से, और रिएक्शन कंडीशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी वजह से। तो इलेक्ट्रोफाइल तो एज इट इज है, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो आपका पाई बॉन्ड है, वो अगर यहां पर को क्या कंजुगेशन में आएगा कोई दूसरे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड के साथ आएगा, तो यहां पे डीलोकलाइजेशन के चांसेस है। ओके, यानी कि यहां पे कंजुगेशन होने लगेगा, तो अगर यहां पर को डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और पाई इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर को अटैक नहीं कर, मतलब न्यूक्लियोफाइल के थ्रू
पर अप्रोच इलेक्ट्रोफाइल पे नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये बोल रहा है अगर आपका एल्कीन आइसोलेटेड नहीं है, ये किसी दूसरे स्पीसीज के साथ कंजुकेशन में आएगा, तो डिलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे रेट ऑफ एपॉक्सीडेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, और ये बोल रहा है तो इस वजह से हमको क्या करना होता है, जब भी हम कुछ ऐसे कंजुगेटेड एल्कीन्स की बात करते हैं, जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड, ऐसे कुछ एल्कीन की बात करते हैं जो कंजुगेशन में है, उस केस में हम लोग MCPBA के बजाय कोई दूसरे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट का यूज करते हैं, जैसे CF2COH। ओके, तो CF2COH का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे जो रेट ऑफ अपॉक्सीडेशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर डिलोकलाइजेशन की वजह से रेट ऑफ अपॉक्सीडेशन डिक्रीज हो रही थी। ओके, तो सेम चीज है, हमने यहाँ पर रिएजेंट अपना रखा, रिएक्शन कराई, तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होगा, वही चीज हो जाएगी, हमारे यहाँ पर को एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि अपॉक्सीडेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन इज बेस्ट परफॉर्म बाय द एक्शन ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट सच एज H2O2 एंड टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड इन एल्कीन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, अरे एक मिनट ना, ये आपका CF3 है। ओके, ये CF3COH, CF2 नहीं, CF3COH। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, देखो इस केस में ये बोल रहा है कि अगर आपका आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एक टाइप का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, तो देखो इसमें भी आपका एल्कीन होता है, इसमें भी आप अपॉक्सीडेशन करा सकते हैं, तो यहाँ पे जो आप अपॉक्सीडेशन कराएंगे वो पर्टिकुलरली कैसे रिएजेंट की प्रेजेंस में होना चाहिए, H2O2 या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड इन एल्कीन सॉल्यूशन। क्यों, यहाँ पे भी तो हम लोग हमारे CF3COH या फिर MCPBA जैसे रिएजेंट ले सकते थे, तो ये बोल रहा है आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप इस टाइप के कंपाउंड में, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पर एसिड का यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन, तो उस केस में आपकी रिएक्शन अपॉक्सीडेशन होने के बजाय बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये भी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, यानी कि यहाँ पे हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में एस्टर का फॉर्मेशन होगा ना कि अपॉक्साइड का, तो हमको तो अपॉक्सीडेशन कराना है, तो अपॉक्सीडेशन अगर आप यहां पर को कराना चाहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन में, तो रिएक्शन कंडीशन में आपने H2O2 या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे रिएजेंट जैसे CF3COH या फिर MCPBA लेते हैं तो रिएक्शन आपके क्या हो जाएगी, अपॉक्सीडेशन होने के बजाय बेयर विलगर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसके बाद आपको एस्टर मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट ना कि अपॉक्साइड। क्लियर हुआ? अब ये रिएक्शन यहाँ पर शो भी की हुई है कि अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या फिर एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन दिखाया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन में कौन से रिएजेंट लेने, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आपके क्या होंगे, H2O2 और टर्शियरी ब्यूटाइल आपका हाइड्रोपरोक्साइड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, NaOH को हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो तब जाके हमारा हमको क्या मिलेगा, एपॉक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, अदरवाइज रिएक्शन आपका क्या बनाएगी एज अ प्रोडक्ट में, एस्टर। क्लियर हुआ? बस इन पॉइंट्स को आपने यहाँ पर लिखना था, तो देखो तीन चार कंडीशन हमने यहाँ पर को पढ़े, केसेस हमने पढ़े, बस इतना मटेरियल आप एग्जाम में लिख लीजिएगा, अगर आपसे डायरेक्टली ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या फिर एल्कीन पूछा जाए या फिर अपॉक्सीडेशन भी पूछा जाए तो आपने ये मटेरियल ऐड करना है। ओके, तो क्लियर हुआ ना? बस इतनी चीज हमने आज के लेक्चर पर डिस्कशन में लेनी थी। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।